हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में है इस वक्त। तो अभी गाड़ी रुकी है और ड्राइवर और पापा और पांडे जी सब लोग चाय पीने के लिए उतरे हुए हैं। तो हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो फिलहाल सब लोग देखिए बाहर चाय पीने के लिए उतरे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे और मैं चाय तो पीती हूँ, बाकी सब लोग चाय पियेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं रीवा यूनिवर्सिटी और मेरे पापा के साथ जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी जाने का दो कारण है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जा रहे हैं मेरी जो डिग्री है बीएड की वो लेने के लिए। तो बीएड करे हुए मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं, बट अभी तक मेरी डिग्री हम लोग नहीं लेके आ पाए थे क्योंकि मार्कशीट तो पहले ही आ गई थी, बट डिग्री के लिए था कि कभी जाएंगे एमपी तो ले आएंगे। एक्चुअली एमपी में मेरा ननिहाल भी पढ़ता है, तो ये होता था कि कभी जाएंगे ले आएंगे, कभी ज़रा कभी पढ़ी नहीं। तो डिग्री के लिए कभी अभी सोचा ही नहीं, 8 सालों से मैंने डिग्री ही नहीं ली थी। मैंने कहा चलो डिग्री तो ले आते हैं अपनी। तो हम लोग आए हैं रीवा यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री लेने के लिए मेरी। और अभी हम लोग इस वक्त हैं यूनिवर्सिटी के अतिथि भवन में, यानी कि गेस्ट हाउस में। जो यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस होता है, वहाँ के जो गेस्ट आते हैं, तो वहाँ रुके हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मेरे पापा के फ्रेंड के थ्रू। तो जो पापा के फ्रेंड है वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ही हमें यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग को दिन भर का टाइम लगेगा अपना ये मार्कशीट, सॉरी मार्कशीट नहीं, डिग्री ले निकलवाने में। अगर हम अंकल के थ्रू ना निकलवाते, अंकल से जान पहचान नहीं होती, तो हमें 2-3 दिन लग जाता डिग्री निकलवाने में। तो हमें बाहर होटल वगैरह लेके रहना पड़ता, बट थैंक्स टू अंकल की, अंकल की वजह से और पापा के फ्रेंड हैं जान पहचान होने की वजह से ये काम दिन भर में हो जाएगा। फिर भी पूरा दिन का टाइम लगने वाला है, शाम 4-5 बजे तक हमारी डिग्री मिलेगी। तो हम लोग को यहाँ पे अंकल ने यहाँ गेस्ट हाउस में रुकवा दिया है और खाना वगैरह के लिए भी, लंच के लिए भी बोल दिया है। और डिग्री के काम के लिए फॉर्म पांडे जी ने जाके फिलअप कर दिया है। अब प्रोसेस चल रहा है, पूरा शाम तक में हमारी डिग्री जो है मेरी वो मिल जाएगी। तो हम अपनी बीएड की डिग्री लेके फिर जाएंगे घर। तो पापा का एक दूसरा रीज़न ये भी था कि पापा अपने फ्रेंड से मिलने आए थे, ये प्रोफेसर अंकल जो हैं, तो इनसे मिलने के लिए स्पेशली पापा ने ये किया था कि चलो मिलने तो चल रहे हैं और मार्कशीट का भी डिग्री का भी काम हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो हम लोग का देखिए, जब कहते हैं ना कि जब काम जिस समय पे होना होता है तो उसी समय पे होता है। तो हमारा इतने दिन का पेंडिंग काम अब जाके हुआ है कि चलो डिग्री मिल जाएगी हमारी। और मैं हमारी हमारी बार पर पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मेरी डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है जो क्या कहते हैं प्रांगण है पूरा यूनिवर्सिटी का, ये खाली गेस्ट हाउस का एरिया है। और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, मतलब पैदल तो आप चल ही नहीं सकते, थक ही जाओगे। आपको पूरा अगर घूमना यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया तो आपको पास गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ भी हो, तभी आप पूरा घूम पाएंगे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं गेस्ट हाउस में, तो देखिए सब अलग अलग कमरे हैं के। तो ये कमरा हमें मिला है और मस्त एसी वेसी लगा है। तो आज वैसे भी ठंडा मौसम है, बादल वाला और अच्छा वाला मौसम है, तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुवी खेल रही है और लंच हो गया हमारा यहीं पे, जिधर ध्रुवी जा रही है उधर साइड में ही किचन और हॉल है, डाइनिंग हॉल, वहाँ जाके हमने लंच कर लिया था। बहुत ही टेस्टी और अच्छा लंच बनाया था यहाँ के जो भी स्टाफ हैं। और ये देखिए द्रोही को तो मस्त मिल गया है खेलने के लिए। वो बादल वाला मौसम हो गया था, अच्छा ठंडा मौसम, एकदम मज़े आ रहे थे, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी, चारों तरफ ग्रीनरी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। तो दोस्तों, जो अंकल हैं प्रोफेसर अंकल यहाँ पे, तो पापा के फ्रेंड, वो पापा के हॉस्टल टाइम के फ्रेंड हैं। और हमें अभी पता चला कि जो अंकल हैं उनके रूममेट थे वो जो भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी, नहीं है वो अंकल के रूममेट थे। तो उनके बारे में भी किस्सा वस्सा पापा लोग अपने हॉस्टल टाइम का बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। और देखिए फिलहाल ध्रुही मेरा डिग्री लेके आ गई है, मतलब ध्रुही के पापा लेके आ गए थे ऑफिस से। तो अभी शाम के 5-5:30 बज रहे हैं और अब जाके हम मिली है हमारी डिग्री। तो चलिए डिग्री तो मिल गई है, तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। बट जो अंकल हैं उन्होंने फ़ोन करके बोला है कि आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं, पहले आप लोगों को मेरे घर चलना होगा और वहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पी के तभी जाने दूंगा मैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो अंकल जी अभी कलेक्टर के साथ में उनकी मीटिंग थी, तो वो खुद मीटिंग में फंसे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग 5-10 मिनट वेट करिए, मैं आ जाऊँगा। तो
तो हम यहीं पे थोड़ा देर उनका वेट करेंगे, और फिलहाल मैं मेरी डिग्री दिखा रही हूँ पांडे जी को, और चल रहे हैं अंदर रूम में पापा को दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पापा को दिखाते हैं डिग्री। और कितनी खुशी हो रही मुझे कि मेरी डिग्री फाइनली मुझे मिल गई है बीएड की। और चलिए पापा को दिखाते हैं। तो पापा अंदर रूम में ही बैठे हुए हैं, देखिए मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं। तो ये देखिए अभी पापा को डिग्री हम लोग दिखा रहे हैं, और वही अंकल जी को फ़ोन लगा रहे हैं बार बार। फ़ोन तो नहीं, उन्होंने कहा था कि फ़ोन मत करिए क्योंकि कलेक्टर मीटिंग में है, तो वहाँ पे मैसेज ही करके उनको पूछ रहे हैं कि आप कितना देर लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को निकलना भी है। एमपी से प्रयागराज जाना बहुत दूर है, 4-5 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं, तो अंधेरा ना हो जाए जाने। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी चलने वाले हैं, अब निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, और उससे पहले अंकल जी के घर पे जाना है। तो अंकल जी ने बोला है कि आप लोग 10 मिनट वेट करिए और फिर मैं साथ में चलूँगा, तो उनके घर जाना है। वो ऐसे मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा चलिए घर पे फैमिली से मिलिए, चाय वगैरह पीजिए, तभी निकलिए आराम से। तो अभी हम लोग निकलेंगे, और देखिए निकलने के लिए तैयार हो गए, बाहर आ गए हैं कैंपस से और जा रहे हैं अंकल के घर पे। तो यूं ही बातों बातों में हमें पता चला, पापा बता रहे हैं कि अंकल जो हैं वो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, मतलब वो पापा के साथ में बीएचयू में ही थे ना, तो वहाँ पे वो मतलब म्यूज़िक लाइन में तो नहीं थे, पापा ही मेरे म्यूज़िक लाइन में थे, तो अंकल नहीं थे, फिर भी उनका शौक था, तो वो तबला बजाते थे और बहुत अच्छा तबला बजाते थे। तो अभी भी अंकल बता रहे थे कि घर में तबला रखा हुआ है उन्होंने, और कभी मन होता है तो बजा लेते हैं। तो आज उन्होंने बुलाया कि थोड़ा सा आप इतने दिन पे मिले हैं, तो ये लोग कम से कम 25-26 साल बाद मिल रहे हैं, तो उन्होंने बोला चलिए घर पे थोड़ा सा कुछ आपसे सुनने का भी मन है मुझे, अंकल ने पापा को बोला। तो चलिए तो फिर वही हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ गाड़ी में पांडे जी, अभी उनको फुर्सत मिली है डिग्री देखने के लिए, तो वही देख रहे हैं, खोल के सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें। तो चलिए चलते हैं अंकल जी के घर पे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में ध्रुवी बार बार पूछ रही है कि नाना हम कहाँ जा रहे हैं, आपके फ्रेंडू के घर जा रहे हैं क्या? तो हम लोग हंसने लगे कि हाँ फ्रेंडू के घर जा रहे हैं। तो देखिए अंकल हैं जो आगे के चल रहे हैं पापा के साथ में, इन्हीं के घर हम लोग आ गए हैं, इनकी कॉलोनी में सोसाइटी में, और उनके घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा पापा लोगों का गाना बजाना हुआ, इतने दिनों बाद ये लोग मिले हैं हॉस्टल के फ्रेंड, तो वो आपको भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।